आज संसद में पेश होने वाले आर्थिक सर्वे और कल पेश होने वाले बजट को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बड़ा बयान आया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों का बजट में ख्याल रखा जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि देश की आर्थिक सेहत में सुधार वाला बजट पेश होगा। ऐसा बजट होगा जिसमें जनता के हितों का ख्याल रखा जाएगा। आज मैडम इकोनॉमी सर्वे पेश करेंगी और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके इकोनॉमी सर्वे पेश किया जाएगा और उसमें देखेंगी सबको लाभ होगा। होम लोन में कुछ कमी आए, इंफ्रा में कुछ वो हो, क्या लगता है वाकई में लोगों को इस बार कुछ राहत मिलेगी? अगर आप देखें तो 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है और जितने भी बजट आया है कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट लाया जाता है और इस बार भी ठीक उसी प्रकार से बजट आया। क्या चुनावों के मद्देनजर कुछ बजट में विशेष देखने को मिलेगा या फिर? निश्चित तौर से चुनाव है तो चुनाव तो आता रहता जाता रहता है, लेकिन देश की इकोनॉमी कैसे सुधरे, लोगों की स्थिति कैसे ठीक हो, उस पर ध्यान मोदी जी का हमेशा रहता और इस बजट में भी देखने को मिलेगा। देवेंद्र, ये 2023 का बजट है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और जो सवाल आम जनता के मन में है वही सवाल आपके भी मन में होगा कि क्या ये कोई लोक लुभावन बजट होगा, क्या टैक्स में कोई राहत होगी, क्या पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से कम हो सकते हैं। ये तमाम बातें आज आर्थिक सर्वे में समझने के बाद कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है वो लगने लगेगा, लेकिन आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं आपको इस बार का बजट कैसा होगा और देश की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक सर्वे कैसा होने वाला है? आज जो आर्थिक सर्वे रखा जा रहा है उसमें सोर्सेज के हिसाब से जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 2023-2024 में वो 6 से 6.8% के बीच में कुछ प्रोजेक्शन है, मतलब एवरेज अगर लें तो 6.5% के आसपास है। मौजूदा विश्व की परिस्थितियों को देखें तो उस हिसाब से ये ग्रोथ रेट इस कंडीशन में पैंडेमिक के बाद इसे अचीव करना, एक तो पैंडेमिक, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन क्राइसिस से पूरी दुनिया तबाह हो रही है, उसका असर पड़ रहा है पूरी तरह से इकॉनमी पे, इन दोनों परिस्थितियों के बीच अगर ये ग्रोथ भारत अचीव कर रहा है, वो प्रोजेक्शन है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, अपने डाटा के हिसाब से, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि बहुत राहत भरी ग्रोथ की स्थिति है। और वैसे कंडीशन में निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बजट के मार्फत ये रहेगी कि अपना एक्सपेंडिचर भी वो बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा। सरकार अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना वो एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर उसका असर बाकी ग्रोथ पर भी पड़ता है और फिर उसमें प्राइवेट प्लेयर्स के सामने और ज़्यादा स्कोप रहता है इन्वेस्टमेंट का। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि इस बजट में एक तरफ जो आपको लोक कल्याणकारी नीतियाँ जो चल रही हैं उसका बर्डन पर जो दबाव पड़ता है वो तो पड़ता ही पड़ता है बजट पे, जो बर्डन पड़ता है और वो पड़ना है आगे भी, लेकिन उसमें दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर को आप अपना कैसे इस रूप में उसको पेश करते हैं, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर के तरफ। बहुत आम दर्शक की वाली भाषा में मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ये सवाल मेरा अपना भी है, महंगाई पर कितनी लगाम लगाने वाला ये बजट होगा? और महंगाई की स्थिति को लेकर जैसा कि पहले मैंने दो चीज़ जिन बातों का जिक्र किया था उस हिसाब से समझें तो समझ में आएगा कि महंगाई को लेकर ये सरकार किस प्रकार से लगातार कोशिश करते रहती है जो कोशिश की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक बहुत छोटी सी चीज़ समझें कि पाकिस्तान में जो आटे की क्राइसिस हुई वैसा क्यों हो गया, भारत में वो क्राइसिस क्यों नहीं हुआ, और उसमें जब भारत में ये फैसला लिया गया था, यहाँ पे महीने भर तो छोड़े हर सप्ताह में भी सेक्रेटरीज की एक मीटिंग होती है जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है वो हर सप्ताह बैठते हैं। देवेंद्र, एक बार हम दर्शकों को बता दें फिर वापस लौटूंगी मैं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।